हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स फन वे टीचिंग। आज की वीडियो है क्लास टू के लिए, जो है कि मैथ्स की वर्कशीट से रिलेटेड है, जिसमें मैं शेयर करूंगी आपके साथ मैथ्स की वर्कशीट। क्लास टू में जो बच्चों को टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उससे रिलेटेड ये वर्कशीट मैंने तैयार की है। जो ये वर्कशीट है बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली। वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और एक कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा। सो प्लीज़ वीडियो को आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है मैच विद द करेक्ट नंबर, एक साइड नंबर्स दिए हैं और इस साइड टेंस और वंस के फॉर्म में दिया गया है। यहाँ नंबर्स को इससे मैच करना है। जैसे 226 है तो 26 के लिए इधर कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो ये है 26 में 2 टेंस है और 6 वंस है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैच करना है। नेक्स्ट है 53 में 5 टेंस है, 3 वंस है, तो यहाँ पे मैच करेंगे। 90 में 9 टेंस है और 0 वंस है, तो यहाँ है 9 टेंस 0 वंस। 64 में 6 टेंस 4 वंस, 6 टेंस 4 वंस। 78 में 7 टेंस 8 वंस। 49 में 4 टेंस 9 वंस। 18 में 1 टेन एंड 8 वंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट टेंस एंड वंस, हाउ मेनी टेंस एंड वंस। यहाँ पे आपको लिखना है, एक साइड नंबर्स दिए हैं इसमें कितने टेंस हैं और कितने वंस हैं। जैसे 69 में 6 टेंस हैं और 9 वंस हैं। 78 में 7 टेंस एंड 8 वंस। 40 में 4 टेंस 0 वंस। 89 में 8 टेंस 9 वंस। 63 में 6 टेंस 3 वंस। 57 में 5 टेंस 7 वंस। 43 में 4 टेंस 3 वंस। 26 में 2 टेंस एंड 6 वंस। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे शेप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जैसे दिया है अ डैश हैज 3 कॉर्नर्स, किस शेप में 3 कॉर्नर्स होते हैं, तो अ ट्राइंगल। यहाँ पे ट्राइंगल की स्पेलिंग लिखनी है, अ ट्राइंगल हैज 3 कॉर्नर्स। अ स्क्वायर हैज डैश कॉर्नर, स्क्वायर में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स। अ डैश हैज नो साइड्स, अ सर्कल हैज नो साइड्स। अ सर्कल, यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा, अ सर्कल हैज नो साइड्स। ऑल साइड्स ऑफ अ डैश आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर के जो भी सभी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। द शेप ऑफ अ डोर इज, डोर का शेप क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल लिख देना है इस तरीके से। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप बच्चों के लिए फ्रेम कर सकते हैं, कुछ इसके हेल्प से आप इस तरीके से एक एग्जांपल ले सकते हैं। एक तरीके से आपके पास पैटर्न होगा, इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन फ्रेम करिए। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना है। ट्यूसडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, दिस इज फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स या एफ लिखना है। सैटरडे इज द सिक्स्थ डे ऑफ द वीक, सैटरडे जो है सिक्स डे ऑफ द वीक है, तो दिस इज करेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे टी। सैटरडे कम्स आफ्टर संडे, यह है फॉल्स। फ्राइडे हैज 3 वॉवल्स इन इट्स नेम, यहाँ पे देखिए फ्राइडे में 2 वॉवल्स है, यहाँ पे 3 वॉवल्स लिखा है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। संडे कम्स आफ्टर सैटरडे, ट्रू। मंडे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यहाँ पे दिया है मंडे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक, दिस इज फॉल्स। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, दिस इज ट्रू। मंडे इज द फर्स्ट, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, दिस इज फॉल्स, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर द इवन नंबर्स। यहाँ पे इवन नंबर्स को कलर करना है। जैसे 241 है, 241 ऑड नंबर है। 336 या इवन नंबर है, तो इसको इस तरीके से कलर कर देना है। कोई भी कलर आप लेकर के बच्चों को दे सकते हैं, कलरफुल करेंगे बच्चे तो अच्छा लगेगा उनको। 109 ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। 217 इज ऑल्सो ऑड नंबर। 420 इवन नंबर है, इसको कलर कर देना है 420 वाले गोले को। नाउ 317 ऑड नंबर। 376 इवन नंबर्स, इवन नंबर है। 321 ऑड, 123 ऑड, 726 यह है इवन नंबर्स। सर्कल द ऑड नंबर्स, यहाँ पे ऑड नंबर्स को सर्कल करना है।
तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो टू से डिविजिबल ना हो या जिसकी प्लेस में वन आए, थ्री आए, फाइव आए, सेवन आए, नाइन आए। तो यहाँ पे ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, ये है ऑड नंबर, ये सारे ऑड हैं, ये है ऑड नंबर, ये दोनों इवन नंबर हैं, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये है ऑड नंबर, ये भी है इवन नंबर। नेक्स्ट है ब्रेक अपार्ट द एडेंट्स, फाइंड द सम। यहाँ पे इनको ब्रेक करना है और इसके सम्स को फाइंड आउट करना है। 24 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 4। 29 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस एट द टेंस। यहाँ पे टेंस को ऐड करना है, तो यहाँ पे 20 है ये और 20 ये है, तो यहाँ पे 20 प्लस 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। या यहाँ पे कर सकते हैं 20 में कितने टेंस, 2 टेंस, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 2 टेंस प्लस 2 टेंस यानी 4 टेंस यानी 40। ऐड द वंस, वंस कितने हैं, 4 है और 9 है, 4 और 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 53। नाउ नेक्स्ट है 38 प्लस 16, यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे, 30 प्लस 8, यहाँ पे 16 को ब्रेक करना है तो 10 प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे टेंस देखना है, 30 में कितने टेंस, 3 टेंस, और यहाँ पे 10 में कितने टेन, 110, 310 और 110 मिला के कितने हो गए, 410 यानी 40। फिर यहाँ पे वंस को ऐड करना है, 8 वंस और 6 वंस, कितने वंस, 14 वंस। अब 14 में देखिए 110 है और यहाँ पे 410 है, 410 और 110, 510 और 4 वंस यानी 54। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, इनके नंबर नेम आगे लिखने हैं। तो 225 है तो यहाँ पे लिखना है 225। इसे तरीके सभी को लिख लेना है। यहाँ पे 293, 212। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। यहाँ नंबर नेम दिए हुए हैं, इनके न्यूमरल्स फॉर्म लिखने हैं। जैसे 589 है तो यहाँ नंबर्स में हो जाएगा 589। 613 है तो यहाँ पे न्यूमरल में हो जाएगा 613। इस तरीके से 847, 847, 996, 996। लास्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग लेस देन ग्रेटर देन का साइन और इक्वल का साइन लगाते हुए इनको कंपेयर करना है। जैसे 256 है, 265 है, तो यहाँ पे लगेगा लेस देन का साइन, क्योंकि 256 इज लेस देन 265 एंड 428 इज लेस देन 528, 566 इज लेस देन 766, 419 इज ग्रेटर देन 409, 603 इज इक्वल टू 603। इस तरीके से आप भी अपने बच्चों के लिए एग्जाम के लिए डेली प्रैक्टिस वर्कशीट बना सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई, यूजफुल लगी, तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करें, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।